मुगलाई स्टाइल करीज बेहद पॉपुलर है, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर। शाही पनीर, पनीर पसंदा, पनीर का कोरमा सबको पसंद आता है। और पनीर पसंदा जो है सब पनीर की डिशेस में किंग है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टफिंग होती है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाता है, एक बढ़िया सी करी बनती है और दोनों को फिर इकट्ठे सर्व किया जाता है। आज हम बनाएंगे पनीर पसंदा और जानेंगे कि ये पसंदा आखिर होता क्या है। मतलब जो पसंद आ जाए वो पसंदा? नो, पसंदे का भी मीनिंग होता है। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल पनीर पसंदा। पनीर पसंदा के दो हिस्से हैं। पहला है पनीर जिसे हम तैयार करेंगे, दूसरा उसकी करी। पनीर को एक पर्टिकुलर कट में काटना है। देखिए पनीर की ये एजेस जो हैं इसको मैंने अलग कर दिया और ये चार हिस्सों में पनीर को डिवाइड कर दिया। ये जो एजेस इसकी हैं वेस्ट नहीं जाएंगी, इसकी स्टफिंग बनेगी। पनीर को यूं खड़ा करके सेंटर से इसमें एक स्लिट लगाना है। ये देखिए स्लिट तैयार, परफेक्ट। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि इसके अंदर हम स्टफिंग भर सकें। अब देखिए पसंदा का मतलब क्या होता है। पसंदा का मतलब होता है पतले पतले स्लाइसेस। तो पसंदा कबाब से निकला पनीर पसंदा, जहां पर मीट जो इस्तेमाल होता था उसके बोनलेस मीट के पतले पतले स्लाइसेस निकला करते थे। फ्रेंच टर्म्स में इसको कहते हैं एस्कलोप्स। जी हाँ, एस्कलोप्स ऑफ चिकन है या एस्कलोप्स ऑफ मटन है, राइट? उसी से पसंदा निकला। पनीर हमारा तैयार। अब पनीर को सॉफ्ट करने के लिए बेस्ट रहता है कि कच्चे पनीर के ऊपर आप नमक लगाइए। नमक क्या करता है, अंदर तक जाता है और पनीर का जो पानी है उसे रिलीज करता है। पानी रिलीज होते ही पनीर खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाता है और नमक भी अंदर तक पी लेता है तो टेस्ट भरपूर आता है उसमें। बस जी, अब इसको 15 से 20 मिनट एक वार्म जगह पर हम रख देते हैं। तो अब चलते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। हमारे पास ये पनीर है, इसको मैश करना है। पनीर मैश हो गया, अब पनीर में जाएगी बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च एक बढ़िया शार्प फ्लेवर देते हैं। थोड़े से चॉप किए हुए बादाम, पिस्ता और काजू। ध्यान रहे ये काफ़ी बारीक कटे हों। हरा धनिया, थोड़ा इलायची का पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और मामूली सी चीनी और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस स्टेज पे अगर आपके पास घर पर खोया पड़ा है तो और बढ़िया है, खोए का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आलू मत डाल देना बस, कई लोग पनीर पसंदा में आलू डाल देते हैं, आलू नहीं जाता है इसमें। ये थोड़ी सी रिच डिश है जिसके अंदर पनीर है और उस पनीर के अंदर भी पनीर है। और देखिए इसे हाथ में लेंगे ना तो बिल्कुल कोफ्ते की तरह इकट्ठा हो जाएगा, परफेक्ट। पनीर को रेस्ट मिल गया, अब क्या करना जी, सिंपली पनीर के अंदर इस स्टफिंग को भरना है। ओपन स्टफ और इस तरीके से होल्ड करके रखिए ताकि पीछे से पनीर खुल ना जाए। प्रेस इट जेंटली ऑन द साइड्स, पनीर रेडी। अब जब आप घर पर इसे बना रहे होंगे, अगर आपके पास सुपर सॉफ्ट मलाई पनीर नहीं है तो ये भरते वक्त पनीर टूट सकता है। ऐसी सूरत में क्या करना है, आपको इसी पनीर को, ये मैरिनेटेड पनीर को माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए घुमाना है, प्रीहीट। उससे क्या होगा, पनीर नरम पड़ जाएगा, खुद ब खुद आराम से खुलेगा, टूटेगा नहीं। माइक्रोवेव नहीं है तो किसी थाल के ऊपर, थाल को मतलब गर्म करी गैस के ऊपर, उसके ऊपर रखिए थोड़ी देर, पनीर गर्म हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, टूटेगा नहीं। बस जी बस, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ठीक, अभी तो करी बनानी, वेट, करी लेकिन बहुत आसान है इसकी, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। पसंदा करी बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल जाएगा और थोड़ा सा बटर। देखिए कायदे से तो सिर्फ मक्खन में ही बनेगा, लेकिन मक्खन सिर्फ डालेंगे तो जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा तेल का सहारा देते हैं उसे। इस गर्मा गर्म मक्खन में तेजपत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और जीरा, इन मसालों का हल्का सा छौंक लगाना है इसमें। सिंपल मसाले जो आमतौर पर घर पर होते हैं, एक या दो मसाले आपके पास नहीं है घबराना नहीं। क्विकली हम क्या करेंगे, प्याज को रफली कट करके इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पर फाइन चॉपिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ ही अदरक, अगेन फाइन चॉपिंग नहीं चाहिए, रफली कट। यह है लहसुन छिला हुआ, मुट्ठी भर। काजू, काजू अगर आपके पास नहीं है 4 मगज डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो बादाम भी डाल सकते हैं। गिव अ क्विक स्टर, और इसी के अंदर हरी मिर्च स्वाद अनुसार। इसी तरीके से टमाटर को भी हम रफली कट कर लेंगे। पनीर पसंदा की ग्रेवी बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, और हाँ
इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया निकलेगा। ये पक ही रहा है, उसी दौरान इसमें नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, एक बार फिर से इसे घुमा दीजिए ऐसे, और उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर। टमाटर आ गए इसलिए अब इसकी आंच को हम बढ़ा देंगे। देखिए, अगर आप कुकिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे ना, तो पनीर पसंदा, पनीर मखनी, शाही पनीर, लगभग लगभग सेम इंग्रेडिएंट्स है, तो वही सेम टेस्ट आएंगे। इसी वजह से हर एक के इंग्रेडिएंट को अलग ट्रीटमेंट देते हैं, और ये सारी की सारी कुकिंग हाई हीट पे क्विक स्टर फ्राइंग करनी है। सब्जियों को पूरी तरीके से भूनना नहीं है, कच्चा कच्चा रखना, दैट्स परफेक्टली फाइन। गौर फरमाया जाए, अब तक इसमें पानी नहीं डाला हमने, ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ऐसे ही भूनेंगे। जैसे टमाटर थोड़ा सा गलने लगेगा तब पानी जाएगा। गौर से देखिए, ये जो टमाटर है ना, ये काफ़ी गल गया है, इस स्टेज पर जाएगा पानी। परफेक्ट जी, अब इसको उबालते जाइए जब तक कि प्याज और टमाटर कंप्लीटली ना गल जाए, 10-15 मिनट का काम है। जब तक ये तैयार हो रहा है, आप मुझे बताइए कि आपकी पनीर की फेवरेट डिश कौन सी है, नीचे कमेंट्स में जरा लिखिए। और आपको मैं बता दूं कि हमारे पास पनीर टिक्का शाश्लिक, पनीर मखनी, पनीर लबाबदार, शाही पनीर, सबकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बतौर लिंक है, टू चेक इट आउट। अब ये देखिए, पक पक कर ना प्याज टमाटर, इनफैक्ट काजू भी बहुत नरम पड़ गया है, और ये सही स्टेज है जब हम गैस को बंद करके इसे कंप्लीटली ठंडा करेंगे ताकि इसे पीस सके। ये ठंडा हो गया, इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने तेज पत्ता डाला था और जो हमने दालचीनी डाली थी, ये दो चीजों को अलग करना है, दैट्स इट, बाकी सब पिस जाएगा। रेडी, करी तो तैयार है, लेकिन उसको एक फाइनल टेम्परिंग देना जरूरी है। इस स्टेप को आपको मिस नहीं करना, क्योंकि ये स्टेप एक अच्छी करी और एक बहुत ही अच्छी करी का डिफरेंस है। सिंपली मेल्ट द बटर, उसमें जाएगी थोड़ी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, हल्का पकाना है इसे, और इसमें जाएगी हमारी ग्रेवी। अब ग्रेवी को छान लीजिए ताकि एक बढ़िया सिल्कन करी बने। और देखिए, ये थोड़ी सी वेस्टेज बची, इसको हटा देंगे। बची कुची करी उसमें डालेंगे पानी ताकि कुछ वेस्ट ना हो, गैस तेज, और इसे एक क्विक बॉईल देना है। करी हमारी तैयार है, अगर लगे कि करी बहुत ज़्यादा थिक है तो एक्स्ट्रा पानी आप डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर, ताज़ा कटा धनिया, गैस ऑफ, और ताज़ी क्रीम। वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये देखिए, स्मूथ मखमली पनीर पसंदा की करी तैयार। और मानना पड़ेगा आपको, आसान तरीका था, एक पॉट के अंदर पकाया, पीस दिया, तड़का लगाया, तैयार। देखिए, कायदे से तो करी तैयार है, पनीर भी हमारा स्टफ्ड है, लेकिन पनीर को आप तवे पर थोड़े से तेल में सेक कर फिर सर्व कर सकते हैं। पनीर पसंदा बनाने की ना एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप अब मैं आपको देता हूं। पनीर को ग्रिल करना है करी बनने के बाद, क्योंकि ये पनीर मखनी नहीं बन रही कि जहाँ पर करी बनी इसमें पनीर डाला, मिलाया, उबाला और सर्व कर दिया। अगर वो करेंगे तो इसकी सारी स्टफिंग करी के अंदर बिखर जाएगी, इसीलिए पनीर को अलग से फ्राई करना है। करी पहले जाएगी, उसके ऊपर पनीर को हम सजाएंगे। और हमारा इजी पनीर पसंदा डन।